एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर MH। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया था ट्रेडिशनल अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, तो उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसका क्या इफेक्ट आएगा, किस किस चीज़ को हम लोग को कंसिडर करना है, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, दिया है कि XYZ लिमिटेड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट कंपोनेंट ऑफ इट्स कैपिटल फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। मतलब कैपिटल मिक्स वन, पहले प्लान में क्या होगा कि हम लोग डेट कितना लेंगे, ज़ीरो, और कैपिटल खुद का कैपिटल कितना होगा, पूरा 100% होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा 16% और कॉस्ट ऑफ डेट होगा बिफोर टैक्स 12%। इसका मतलब ये है कि पहला हम लोग ने क्या कंसिडर किया, बाहर का पैसा ज़ीरो यूज़ करेंगे, मतलब पूरा का पूरा पैसा कितना किसका यूज़ करेंगे, खुद का यूज़ करेंगे 100%। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, 16%, ये दिया रहेगा आपको एग्ज़ाम में, और कॉस्ट ऑफ डेट कितना रहेगा, 12%। तो पहला केस ये है। सेकेंड केस में बोलता है कि हम लोग 100 रुपये में से 20 रुपया लोन यूज़ करेंगे और 80 रुपया खुद का पैसा यूज़ करेंगे। तो अगर 20 रुपया लोन यूज़ किया और 80 रुपया खुद का पैसा यूज़ किया, तो इक्विटी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% रहेगा और कॉस्ट ऑफ डेट 12% ही रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड लेवल में बोला कि हम लोग अब लोन 40% यूज़ करेंगे और 60 रुपये क्या करेंगे, अपना खुद का इक्विटी शेयर यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट अपना 16% हो जाएगा। फोर्थ वाले में भी ऐसा दिया है, देखो 60-40 किया है, ये बढ़ गया इधर पे, ये बढ़ गया इतने से। आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट कैपिटल मिक्स हम लोग सेलेक्ट करें, टैक्स रेट है 50%। ओके, तो इसको देखो, हम लोग ने एक्सेल पे कंसिडर किया है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पूरा लिखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि जिसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब सबसे पहला ये क्वेश्चन हम लोग ने लिख लिया, अब ये जो परसेंटेज में है इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज और नंबर दोनों अलग रहेगा तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। तो 16% का मतलब होता है 16 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ये दो कॉलम मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूँ, एक है कॉस्ट ऑफ डेट और ये बिफोर की जगह अब हम लोग लेंगे क्या, आफ्टर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, यहाँ पे 16% दिया था, तो 16% का मतलब होता है 16 डिवाइड बाय 100, तो 0.16। सेम वे में ये भी है, तो 16 डिवाइड बाय 100, ये 20 है तो 20 डिवाइड बाय 100, फिर 24 डिवाइड बाय 100। सेम वे में कॉस्ट ऑफ डेट है, तो डेट कितना 12% है और टैक्स कितना है, क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 50% है, इसका मतलब 50% कट जाएगा। तो अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 डिवाइड बाय 100, ये भी 6 डिवाइड बाय 100, ये 16 है तो 50% अगर टैक्स कटेगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 100, और लास्ट वाला 20 है तो टैक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 100। ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, आई बात समझ में। तो ये देखो, अभी ये हम लोग का जो ये बन गया फॉर्मेट, ये नंबर्स में, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में आसानी होता है, लेकिन कोई परसेंटेज में, कोई विदाउट परसेंटेज है तो उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको WACC निकालेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में, अगर आपको पता होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बोला था कि हम लोग डेट यूज़ करते जाएंगे, डेट यूज़ करते जाएंगे लेवल वन में, क्योंकि डेट का कॉस्ट कम है, डेट को यूज़ करते रहो, फर्म का वैल्यू बढ़ता रहेगा, WACC कम होता रहेगा, और यूज़ करेंगे डेट, लोन यूज़ करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, एक लेवल आएगा जिस पर अपना मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फर्म का,
उसके बाद अगर इंक्रीज़ किया तो अपना WACC बढ़ते जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ फर्म घटेगा। तो हम लोग को यही देखना है कि WACC कहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले WACC निकालेंगे। तो WACC कैसे निकालते हैं, जितना भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है ध्यान से देखना, जितना भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज प्रोपोर्शन। तो परसेंटेज प्रोपोर्शन कितना है, 100% है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ऐसे डेट है तो डेट का परसेंटेज है 0.06 मल्टीप्लाई बाय उसका प्रोपोर्शन कितना है, 0 है, ब्रैकेट क्लोज, एंड मारेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ 16% आएगा। आई बस समझ में। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC का मतलब होता है बिजनेस में जितना भी पैसा लगा उसका हम लोग को खर्चा देना पड़ रहा है 16%, खर्चा देना पड़ रहा है 16%। तो ये 16% आया। अब सेकंड वाले को भी करेंगे, तो सेकंड वाला देखो ये एक्सेल है तो मैंने सिर्फ ड्रैग किया, चलो वापस से करा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट का प्रोपोर्शन 14%। आई बात समझ में। तो ये मैंने ड्रैग कर लिया तो ये सब जगह पे काउंट हो गया। तो देखो पहले हम लोग ने लोन कुछ भी यूज़ नहीं किया था, है ना, डेट कितना था, 0 था, तो हम लोग का ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा था, ऐसे देखो एकदम नॉर्मल वे में हम लोग ने बाहर का पैसा 0 यूज़ किया तो हम लोग का ओवरऑल खर्चा कितना हो गया, ये एक्सपेंस समझ लो आप, 16% एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग लोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब 20 रुपये का लोन लिया तो हम लोग का देखो खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम लोग का खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डाउन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आप जितना लोन यूज़ करेंगे तो अपना कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन ये घट गया तो हम लोग ये वाला मिक्स सेलेक्ट करेंगे। फिर और ट्राई किया कंपनी ने, कंपनी ये बोल रहा है कि और लोन लेके देखते, तो लोन कितना हो गया अभी 40 और ये 60, क्योंकि क्या है ना पूरे कंपनी में 100 रुपये लगेगा, तो 100 रुपये में से अगर 0 यहाँ लगा तो यहाँ पे 100, यहाँ 20 लगा तो यहाँ 80, यहाँ 40 लगा तो यहाँ 60, यहाँ 60 लगा तो यहाँ 40। आई बात समझ में। तो यहाँ 20 से अब उसने डबल कर दिया, अब जैसे ही उसने डबल कर दिया तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस देखो, WACC देखो, अब है ना थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, देखो इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ। अब आप चेक करेंगे ना, देखो यहाँ से 0 से 20 बढ़ा, 0 से 20 बढ़ा, एग्जैक्टली 20, तो 2% का डिक्रीज हो गया। अब आपने और 20 बढ़ाया, 20 से सीधा 40 हुआ, तो आपका देखो इंक्रीज़ हुआ है, पहले में तो डिक्रीज़ हो गया था पूरा 2% डिक्रीज़ हुआ, अब आपने टोटल डबल कर दिया तो वो डिक्रीज़ नहीं हुआ, इंक्रीज़ हुआ लेकिन 1.2% से। फिर देखो यहाँ पे 60% यूज़ किया तो और बढ़ गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा, सिर्फ 0.40 बढ़ा। तो बोलने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आप लोन यूज़ करोगे तो एक लेवल आएगा वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज़ होते जाएगा धीरे 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 धीरे। तो हम लोग को ये वाला प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। आई बात समझ में, यस और नो? ठीक है, तो इसको एक दो बार आप गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।